Hello my lovely YouTube family, Savvy This Side, welcome to my YouTube channel and I hope you all are doing great. Well, हम दोनों भी एकदम बढ़िया हैं. जो बात बढ़िया नहीं है वो ये है कि विशु का बर्थडे है 2 weeks बाद, means 5th of March को विशु का बर्थडे है, first birthday, और हमारा PPR आने का कोई चांस ही नहीं है तब तक, so it's very sad. But चलते हैं आज की वीडियो की ओर, बढ़ते हैं. थैंक यू. तो सबसे पहले बात करेंगे कमेंट सेशन से. मुझे कल नवदीप सिंह जी का कमेंट आया है कि फाइल उन्होंने 4th Feb 2022 का अप्लाई की है और मेडिकल अपडेट इनका 9th Feb 2022 का है. क्या कोई अपडेट है क्या? इसका आंसर प्लीज आप लोग ही दीजिए कि 2022 की फाइल है SOWP की और PPR कब तक आएगा. सो ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ कि क्या इन्हें रिप्लाई किया जाए. नेक्स्ट कमेंट भी कुछ कुछ ऐसा ही है. 21 दिसंबर 2021 की फाइल है और इनका बायोमेट्रिक भी डन है और January 25 को इनका मेडिकल भी पास हो गया है और डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट ने आई है, मैरिज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो अपडेट हो गए हैं. तो वीज़ा कब तक आ सकता है प्लीज़ इनको भी आप ही रिप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 2021 के लास्ट मंथ के हों या फिर अभी रिसेंटली वाले एप्लीकेंट्स हैं उन्हें पेशेंस आप लोग ही दिखा सकते हैं कि हम लोग कितने लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं. सो ये कमेंट का रिप्लाई मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे. नेक्स्ट टाइमलाइन है दिसंबर 2020 की फाइल है, बायोमेट्रिक इनका फैब 2021 में हुआ है, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इन्हें 20 जनवरी 2022 को मिली है, मेडिकल इनका 14th फैब को अपडेट हुआ है और 18th फरवरी को इनकी PPR आ गई है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनू चंचलानी जी के कमेंट की. इन्होंने कमेंट किया है कि SOWP की फाइल है June 16, 2021 की, इनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है October 27, 2021 को और मेडिकल इनका हुआ है 17 नवंबर 2021 को और ये PPR का वेट कर रहे हैं, जबकि इन्हें विजिटर वीज़ा इन्होंने जो अप्लाई किया था उसमें रिफ्यूज़ल आया है. सर, आपका जो SOWP की फाइल है उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा विजिटर वीज़ा का, और जून की फाइल है तो कुछ मंथ्स ज़रूर लगेंगे, क्योंकि अभी जो जून के रिजल्ट्स हैं वो लोग लकी हैं, वरना बीच में मार्च अप्रैल के मंथ्स भी हैं, तो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस हाई मत कीजिएगा. अभी जून की PPRs आने में टाइम है. नेक्स्ट एक अनबिलीवेबल PPR टाइमलाइन है जो कि सचिन भाटिया जी ने शेयर की है मेरे पुरानी वीडियो में, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, उसमें ये कमेंट सेशन में बताया गया है कि अक्टूबर 21 की फाइल है, यानी कि अक्टूबर 2021 की, 7 अक्टूबर को ये सबमिट की गई है और इनका बायोमेट्रिक 9 अक्टूबर को अपडेट हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर इन्हें 17 फेब को 2022 को मिला है और सेम डे इनकी PPR आई है. तो इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड, मेरे लिए ये PPR टोटली अनबिलीवेबल है, रियली अनबिलीवेबल. नेक्स्ट PPR टाइमलाइन रमन अरोरा जी ने शेयर की है. हाई सेवी, यस्टरडे आई रिसीव्ड PPR, फाइल अप्लाइड ऑन 28th जनवरी 2021, मेडिकल अपडेट 15th फेब 2022, PPR इन्हें 18th फेब 2022 को मिली है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. ये भी पिछली वीडियो में उन्होंने कमेंट सेक्शन में बताया है. सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू. एक मेडिकल रिक्वेस्ट की यहाँ पर टाइमलाइन है कि फाइल अप्लाइड हुई थी 30 जनवरी 2021 में, बायोमेट्रिक इनका हुआ है 4th फरवरी 2021 में और मेडिकल रिक्वेस्ट इन्हें 18th फेब 2022 को आई है. ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक और मेरे सब्सक्राइबर हैं सुखदीप धामी जी, उन्होंने वो भी फैब के एप्लीकेंट्स हैं, तो वो कमेंट सेशन में पूछ रहे हैं कि उनकी PPR कब आएगी. सर, अभी कुछ फैब के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अभी मेडिकल रिक्वेस्ट आ रही है और आई गेस आपका मेडिकल भी अपडेट है, तो बस थोड़ा और पेशेंस और आपकी PPR भी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फैब से सबकी PPR आ गई हो. कुछ लोग अभी मेडिकल रिक्वेस्ट, कुछ को डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, कुछ का मेडिकल ही अपडेट हो रहा है, तो अभी प्रोसेसिंग चल ही रही है फैब वालों की. नेक्स्ट इस कमेंट की मैं बात करूँगी. अंकिता कल्याणकर जी का कमेंट है. इन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है, हाय मैम, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर स्पाउस ओपन वर्किंग वीज़ा, आई ज्वाइन इन January 2022 इनटेक. I wanted to know if I should deposit GIC for my husband in my Canada bank account. Also, I have a study permit only till November 2022. I have applied for another course for Jan. So, जो मैं इस कमेंट से समझ पाई हूँ, शायद आप मुझे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने फंड्स GIC वाले अपने स्पाउस के लिए शो कर सकते हैं कि नहीं. आप ज़रूर GIC वाले फंड्स को शो कर सकते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट निकाल लीजिए, उसमें और भी फंड जमा करके आप निकाल लीजिए स्टेटमेंट, और वो आप एज अ फंड शो कर सकते हैं.
तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल न्यू पीपीआर टाइमलाइंस के साथ। क्योंकि आपका सपोर्ट देख के मैं खुद मोटिवेट होती हूँ, इसीलिए मैंने अब इसे भी अपनी वीडियो में इंक्लूड करना शुरू किया है, क्योंकि इसके साथ मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। ये लगी रहती है अपने काम पर, यहाँ से इसने सारे पेंसिल्स पेन सारे निकाल के ऐसे फेंक दिए हैं, कुछ ग्राउंड में भी हैं। सो, आपका सपोर्ट देख के ही मुझे लगता है कि आई शुड मेक वीडियोज, इसलिए मैं पर डे ट्राई करती हूँ कि मैं वीडियो बनाती रहूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल, विश यू से बाय।